तो चारों तरफ हम लोग घूम लिए दोस्तों, पूरा बस्ती में घूमे। उसके बाद देखिए काफी सारे गांव वाले आए हुए हैं, ये देखिए। और इधर देखिए दोस्तों, लक्ष्मी भी आ गई पानी पीने के लिए। हम लोग अभी शरबत पानी मिला रहे हैं, है ना जी, घोल रहे हैं। हो गया, हाँ देखिए घोल भी तैयार हो गया है। अब चलते हैं, देते हैं सभी को। तो पूरा घोल रेडी हो गया है दोस्तों, रासना पानी देखिए, पूरा एकदम यहाँ पर रासना डाल दिए तो कैसा पीला पीला हो गया। अभी वाला पीने में पूरा एकदम मजा आता है। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे आज का दिन को, तो आज वो दिन आ ही गया है दोस्तों। तो पहले आप लोग को वो खुशी का राज बता देते हैं कि हम लोग खुश क्यों हैं। तो आज हम लोग का गाँव में दोस्तों बहुत ही बड़ा यज्ञ होने वाला है, रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका आज शुभ उद्घाटन है। तो अभी हम लोग सभी को चलेंगे दोस्तों, पहले हम लोग घर की साफ सफाई कर लेंगे, बढ़िया तरह से लिपाई पोताई कर लेंगे, और हम लोग भी नहा धो करके फ्रेश हो करके हम लोग फिर पूजा वाला कपड़ा वगैरह पहन करके हम लोग चलेंगे दोस्तों अभी पूजा में, है ना जी? हाँ जी। तो हम लोग चलते हैं फटाफट, हम लोग इधर का काम निपटाते हैं, अपना घर का जो भी लिपाई पोताई है वो सब जल्दी जल्दी करते हैं, और जल्दी से नहा धोवा करके निकलते हैं, है ना? तो चलिए लिपाई कीजिए। देखिए इधर हम लोग गोबर का घोल पूरा बना लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं लिपाई करते हैं, है ना जी? चलिए, हाँ घर की लिपाई कर लिए हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम अच्छा तरह से लिपाई कर दिए हैं। अब आंगन बाकी है लिपाई करना, तो इसको पूरा एकदम बढ़िया से लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग नहा धोवा करेंगे। पूरा बढ़िया तरह से एकदम साइड साइड में दे दीजिए, क्योंकि आज हम लोग का गांव में ना पूरा मस्त पूजा होने वाला है एकदम। तो खुशी में पूरा एकदम सुबह से ही हम लोग लग गए हैं पूरा काम पे, और घर के अंदर का सारा लिपाई पोताई हो गया है, सिर्फ आंगन बाकी था, तो आंगन को भी लिपाई कर ही देते हैं जल्दी जल्दी। तो आंगन की लिपाई भी बढ़िया तरह से कर दिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नहा धोवा करते हैं। चलिए जी यहीं पर जल्दी से नहाते हैं, सुबह ही हम लोग पूरा पानी भर लिया है इस सब में, लेकिन माँ और पिताजी नहाए ना तो इस सब खाली हो गया है। अब चलते हैं हम लोग यही सब में नहा धोवा करते हैं जल्दी जल्दी और निकलते हैं। चलिए इस सबको धो दीजिए, खाली बर्तन भी देखिए वहाँ पर पड़ा हुआ है, उस सबको भी धोना है जल्दी जल्दी, फटाफट करते हैं, पानी वगैरह मार देते हैं। तो नहा धो करके सभी को फ्रेश हो गए दोस्तों, और सभी को देखिए बढ़िया तरह से रेडी हो गए हैं पूजा में जाने के लिए। अब हम लोग सीधे चलेंगे महायज्ञ के स्थान पर, है ना पिताजी? हाँ, हाँ, चलिए अब चलते हैं, चलिए माँ, हाँ चलिए फटाफट चलिए आगे आगे, काफी समय हो गया है, जल्दी जल्दी जाना होगा। तो हम लोग यज्ञ के स्थान पर पहुँच गए हैं दोस्तों, देखिए यहीं पर हम लोग का पूजा पाठ होगा, देखिए ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो उसी के लिए पूरा देखिए यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है। देखिए उधर बन रहा है यज्ञ वाला स्थान, देखिए उसी के अंदर में पूरा एकदम हवन वगैरह होगा, देखिए पूरा एकदम काम में लगे हुए हैं सभी को, देखिए मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, इधर पेंट पुट्टी का भी काम हो रहा है, और उधर देखिए भड़ा वगैरह बांध करके देखिए इस तरह से काम हो रहा है, देखिए उधर बाजा वगैरह लग रहा है, यानी कि काफ़ी जोर शोर से एकदम चल रहा है दोस्तों। यज्ञ का एकदम पूरा आयोजन हुआ है, एकदम पूरा गाँव वाले मिल करके कर रहे हैं, बहुत अच्छा एकदम खुशी का माहौल छाया हुआ है, और भी लोग आ ही रहे हैं। आज से हम लोग का उद्घाटन हो रहा है पूजा का, आज से शुरुआत होगा, उसके बाद में हम लोग का जो है रेगुलर इस महीना तक पूरा एकदम चलते रहेगा एकदम कंटिन्यू, क्या पिताजी? हाँ, हाँ, आज से शुरुआत हुआ, आज से शुरुआत हो गया, आज पूरा एकदम झंडा वगैरह गड़ाएगा पूरा गांव में, एकदम पूरा रोड रोड में यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम झंडा गाड़ देंगे। हम लोग को 27 तारीख को सम्पन्न होगा यज्ञ, हाँ हम लोग को 27 तारीख तक पूजा रहेगा, 28 तारीख को विसर्जन होगा मूर्ति वगैरह, उसके बाद में फिर 21 तारीख से कलश स्थापना है, हाँ 21 तारीख से 27 तारीख तक कंटिन्यू पूजा होगा। आज तो सिर्फ भूमि पूजन होगा और यही सब काम उम हो रहा है, वही सब में पूरा एकदम झंडा वगैरह लगेगा, यही सब का आज काम होगा, आज भूमि पूजन का काम होगा, आज भूमि पूजन हो जाएगा, उसके बाद में सभी को फिर, और आज से पूरा गांव में एकदम मांस मदिरा का सब एकदम बंद रहेगा, वो सब कुछ नहीं चलेगा, बंद हो गया, हाँ बंद हो गया है आज से, मतलब पूरा पूरी जो है सब कोई अपना अपना ये निरामिष भोजन खाएंगे सब कोई, लहसुन प्याज कुछ नहीं चलेगा,
चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों जैक के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है और किस तरह से काम हो रहा है। देखिए इधर पूरा एकदम मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, सब तरह का मिस्त्री, और देखिए गांव के सारे आदमी आ चुके हैं। आप यहां पर पूरा एकदम अच्छा तरह से एकदम विधिवत पूजा पाठ होगा। देखिए इधर पूरा एकदम ये जैक के लिए यहाँ पर पंडाल बनना शुरू हो गया है। इधर देखिए व्यवस्था के साथ में सभी कोई लगे हुए हैं। देखिए इधर देसी तरीका से मंडप बन रहा है दोस्तों, यज्ञ वाला। ये देखिए इस तरह से एकदम व्यवस्था बना लिए हैं और यहाँ पर इस तरह से कांटे ठोकते जा रहे हैं। बन गया है। देखिए बना लिए है एकदम पूरा बढ़िया तरह से। देखिए एकदम कितना अच्छा एकदम मजबूत बना रहे हैं और पूरा एकदम एक नंबर काम हो रहा है। देखिए इधर बाकी मिस्त्री लोग काट काट करके देते जा रहे हैं, इधर काम करते जा रहे हैं, पूरा बढ़िया तरह से बना रहे हैं। देखिए यहीं पर होगा हम लोग का यज्ञ हवन, उसी का यहाँ पर मंडप बन रहा है। देखिए कितना अच्छा बनाया जा रहा है। देखिए इस तरह से एकदम पूरा बांस का ही बनेगा, लेकिन नीचे पूरा एकदम खूटा गाड़ दिए हैं, उसके बाद में बांस का पायर दिया हुआ है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर फाड़ फाड़ के पूरा एकदम मंडप बना रहे हैं, छार रहे हैं। कितना अच्छा एकदम लगेगा यहाँ पर। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर कितना अच्छा रौनक रहता है यज्ञ में। अभी तो पूरा एकदम काम में एकदम लगे हुए हैं सभी को। और देखिए मंदिर का पेंट वगैरह हो गया, पूरा एकदम कलर एकदम चढ़ गया, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम देखने में। और ऊपर में देखिए टॉप में वहाँ पर बाजा बंधाया रहा है एकदम। तो चारों तरफ हम लोग घूम लिए दोस्तों, पूरा बस्ती में घूमे, उसके बाद में हम लोग आए हुए अपना घर। यहाँ पर हम लोग का बजरंग बली है, तो वहीं पर झंडा वगैरह गाड़ने के लिए आए हुए थे। तो देखिए काफ़ी सारे गांव वाले आए हुए हैं ये देखिए, और अभी पानी वगैरह पी रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी धूप है ना, तो धूप में एकदम प्यास लग जाता है, तो अभी पानी वगैरह पी रहे हैं। और पिताजी देखिए उधर पानी सेवा के लिए उधर पूरा एकदम खड़े हैं और मशीन चालू कर दिए, सभी को धोते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं। हाँ, कितना परिश्रम आपको कर रहे हैं भक्त लोग। हाँ, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है, बढ़िया है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये पहाड़ी पानी है सर, झरना वाला हुआ पानी कैसा लग रहा है? एक भक्त बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा स्वादिष्ट पानी है। आपका कैसा कृपा? जी जी जी, सब भगवान का ही कृपा है, भगवान का ही कृपा। और इधर देखिए दोस्तों लक्ष्मी भी आ गई पानी पीने के लिए। ना लक्ष्मी पूरा प्यास लग रहा है, हाँ पानी पी ली। चलिए सभी को पानी पीजिए, पानी पी लीजिए, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। तो सभी आदमी तो चले गए दोस्तों पानी वगैरह पी करके, पैर हाथ भी धो लिए क्योंकि काफ़ी धूप है, तो एकदम खाली पैर में था सभी को, तो पाँव एकदम पूरा जल रहा था, तो सभी को पाँव हाथ धो लिए, उसके बाद में पानी वगैरह पी करके चले गए अपने अपने जगह पर। और कुछ कुछ आदमी बचे हुए हैं दोस्तों, अभी वो लोग घर पर आए हुए हैं, तो उन लोग के लिए देखिए अभी हम लोग अभी शरबत पानी मिला रहे हैं, है ना जी, घोल रहे हैं, हो गया। हाँ देखिए घोल भी तैयार हो गया है, अब चलते हैं देते हैं सभी को। तो पूरा घोल रेडी हो गया है दोस्तों, रासना पानी देखिए पूरा एकदम यहाँ पर रासना डाल दिए, तो कैसा पीला पीला हो गया, अभी वाला पीने में पूरा एकदम मजा आता है, तो यही वाला पानी देंगे अभी सभी को। चलिए जो बचे हुए हैं घर में वही लोग को देंगे, बाकी सब तो चले गए। चलिए ले नाय हूं रोने के लाये को दीपक रहे नहीं थी। हां तो कहां गए यहां तो लिए हमें जी नाय तारीख रस पिए। तो जो लोग घर में बैठे थे दोस्तों वो लोग को रासना पानी पिला दिए, उसके बाद में हम लोग भी पिए, अब चलते हैं अधन वगैरह चढ़ाते हैं, खाना बनाते हैं, क्योंकि सुबह से तो पूरा एकदम हम लोग घर का ही इधर लिपाई पोताई में लग गए, तो हम लोग खाना पीना नहीं बना पाए, हम लोग पूजा का ही तैयारी में लग गए एकदम सुबह से ही, क्या जी। तो इधर हम लोग का खाना पीना नहीं बन पाया है, तो चलते हैं अधन वगैरह चढ़ा देते हैं और खाना बनाते हैं जल्दी से। देखिए इधर पानी वगैरह वहाँ पर भर दिए हैं टप वगैरह में, और इधर डेगची में भी भरा हुआ है, देखिए सामने में पूरा एकदम बड़ा बड़ा डेगची में भर के रखे हुए हैं। अब चलते हैं यहीं पर हम लोग पानी उछलते हैं डेग में। चलिए डालिए,
डालिए बस हो जाएगा। अच्छा इसको लेते जाइएगा। चलिए चलिए वाला हम लेते जाते हैं। रखिए बस अब चलते हैं और हम चढ़ाते हैं इंडक्शन चूल्हा में चढ़ा देंगे, जल्दी खाना बन जाएगा क्या जी। देखिए चालू कर दिए, अब 5 से 10 मिनट में अधन हो जाएगा, उसके बाद में चावल डाल देंगे खाना बन जाएगा। तो अधन वगैरह चढ़ा दिए हैं दोस्तों और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, गांव-गांव पूरा एकदम हम लोग भ्रमण किए, पूरा एकदम जय का प्रचार किए, उसके बाद में हम लोग जहाँ जहाँ देवस्थान है वहाँ पर हम लोग झंडा गाड़ दिए, उसके बाद में फिर अभी गांव-गांव में पूरा एकदम गड़ाएगा रोड के किनारे किनारे, है ना जी। उसके बाद में एकदम पूरा एकदम भ्रमार एकदम जय चलेगा दोस्तों 7 दिन तक। अभी मतलब तो हुआ है आज भूमि पूजन, अब हम लोग का 21 तारीख को कलश उठेगा, उसके बाद में कलश लेकर के सभी कोई नदी जाएंगे पानी लेकर के आएंगे, उसके बाद में फिर वो जो मंडप बन रहा है वहीं पर फिर पूजा होगा, इस तरह से एकदम पूरा कार्यक्रम चलेगा एकदम जय का। तो अभी हम लोग पूजा का ही हम लोग आयोजन में सभी को लगे हुए हैं दोस्तों, जब तक हम लोग का पूजा खत्म नहीं होता है तब तक तो हम लोग का है पूजा का ही हम लोग का भी चलते रहेगा, है ना जी। और हम लोग का घर का भी काम देखना है, तो अभी हम लोग पूरा भ्रमण किए ना गाँव तो काफ़ी थके हुए हैं, तो अभी हम लोग खाना पीना बना करके खाएंगे, उसके बाद में थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद में मिस्त्री लोग लगे हुए हैं काम पे, तो उन लोग को भी देखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग खाना पीना जल्दी से बनाते हैं, उसके बाद में खाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।